हस्ती एक ऐसे एजुकेशन फील्ड के, एक ऐसे स्टालवर्ट जिनको हम बहुत समय से, सर से मैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आ जाए, और सर ने आज हमें मौका दे दिया। और ये बहुत ही शानदार सेशन जहां पे सर आपको बताएंगे कि कंप्यूटर साइंस के क्या आगे एवेन्यूज हैं और क्या हमें करना चाहिए ताकि हम अभी से इस फील्ड में अपना करियर परस्यू कर सके। सो वी वेलकम विद वार्म हार्ट एंड वेरी वार्म वेलकम सर, डॉक्टर देवव्रत दास सर, एंड वेलकम सर इन एंड गुड इवनिंग टू दिस वंडरफुल शो ऑफ हेलो 24/7। और सर, डॉक्टर सर के बारे में कुछ बातें मैं बता दूं यहाँ पे। सर इज सर्विंग एज प्रोफेसर एट IIIT बैंगलोर। इसके पहले सर GS सान्याल स्कूल टेलीकम्युनिकेशन जो IIT खड़गपुर में है, उसके पहले ये न्यू जर्सी में भी प्रोफेसर थे, और इसके पहले इन्होंने डीन के पद पे भी काम किया हुआ है IIIT में, R&D की तरह भी R&D पे भी काम किया हुआ है। तो सर काफी टाइम से, काफी समय से इस फील्ड में बहुत सारी आउटस्टैंडिंग अवार्ड्स के साथ, बहुत सारे अचीवमेंट अवार्ड के साथ, जिनमें से ग्लोबल IEEE MGA अचीवमेंट अवार्ड, आउटस्टैंडिंग वॉलंटियर अवार्ड 2020, ओके, एंड सर इज ऑल्सो फेलो IET, फेलो IE, SMIEEE। सर इज रेसिपियंट ऑफ ह्यूलेट पैकर्ड एंडोमेंट चेयर प्रोफेसर अवार्ड इन IIIT भी। सर इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ IEEE बैंगलोर सेक्शन 2017, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब अपने टेक्निकल स्टीयरिंग एम्पावरिंग कमेटी के भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सर ये इतना सारा आपने किया, बिल्कुल ये सर, बताएं कि बच्चों को कैसे, ये सब इतना अपने आप को कैसे एकेडमिक फील्ड में एक्सेलेंस आप जो कर रहे हैं हासिल, कुछ बच्चों को बताएं सर कि वो कैसे आपसे कुछ सीखें, और हाउ कैन दे इम्प्रोवाइज दिस थिंग एंड लर्न समथिंग फ्रॉम यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू डॉक्टर अनुज मिश्रा एंड आशीष फॉर इनवाइटिंग मी फॉर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है। हम आपका जो अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, थैंक्स फॉर दैट। एंड लेट मी टेल यू, वन ऑफ द इश्यूज हाउ वी मैनेज इज दैट टाइम एंड वर्सेस द वर्क। सो वी हैव टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज भगवान ने हमको ओनली 24 आवर्स दिए हैं। सो उससे ज़्यादा नहीं है पर डे, वी कैन नॉट स्ट्रेच इट इन एनी डिरेक्शन। सो इन दैन 24 आवर्स वी हैव टू मेक सम एलोकेशन ऑफ द टाइम फॉर इन रीडिंग फॉर आवर सेल्फ, टीचिंग, रिसर्च कमिटीज, एंड ऑल्सो सम सर्विस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। सो फॉर दैट आई एलोकेट टाइम एंड स्टे फोकस टू दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फोकस टू द वर्क, वट एवर यू आर डूइंग, एंड द हार्ड वर्क फॉलोज बाय द। सो दैट इज सर द वन मोर सीक्रेट क्वेश्चन बिहाइंड। आई हैव, वी नो यू सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, है ना, आपके बच्चे भी हमसे पढ़े हैं, तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि आप जैसे इतने कूल रहते हैं, मैंने देखा है सर से भी बात करता है कि सर बहुत कूल मेंटेन रखते हैं अपने आप को, तो इतना सारा जो एकेडमिक प्रेशर होता है, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, डाइवर्टेड, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप कैसे अपने आप को इतना कूल कॉम्पोज रखते हैं इस पूरे प्रोसेस में, और इतनी सारी चीजें कैसे कर पाते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बच्चों को कुछ अपना एक गुरु मंत्र दें जिससे वो फर्दर सीख सके सर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिकली फॉर यंग जनरेशन और एनीवन, एनी एज ग्रुप टू स्टे कूल, बिकॉज फॉर स्टेइंग कूल यू नो दैट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट विल हैपन टू मी इन फ्यूचर, द मोर एंड मोर यू थिंक अबाउट द फ्यूचर देन यू गेट डिस्टर्ब। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू स्टे कूल इज दैट यू फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट, प्लान फॉर द फ्यूचर इन अ रोड मैप दैट आई विल फिनिश सो मच थिंग्स इन 1 month और 7 days और 10 days और ईच डे व्हाट आई विल फिनिश अकॉर्डिंग टू ईच डे माई टारगेट, यू फिनिश इट दैट एंड स्टे कूल आफ्टर दैट। डोंट ओवर टू आशिन सर। आशिन सर, अब आप कंप्यूटर साइंस की तरफ सर को ले चलते हैं हम लोग, और बिल्कुल बच्चे सर, को थोड़ा सा। बिल्कुल सर। तो हमारे जो एक्चुअली जो यंग एंथुजियास्ट हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी पैशनेट अबाउट दिस ब्रांच। दे वॉन्ट टू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट हाउ इट इज एज अ जर्नी, एंड दे हैव अ कंसेप्शन इन देयर माइंड दैट कंप्यूटर साइंस मीन्स ओनली कोडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दैट थिंग अ राइट थिंग? And how does the life of a computer science engineer proceed? Could you give an idea about it? It's an excellent question you put in front of the students and me also, because this is a problem, or I can say this is the perception in developing countries, not in developed countries. Developing countries, those who are coming up, catching up with the technology and all, there people feel more, not all, most of them feel that coding is everything. It's not
true. I will explain you, coding is important, but it's not true. I will explain you with an example. Then I will come down to the computer science in more detail. Say, if I can give these students an example of a doctor. Everybody has seen a doctor, okay? Yes. And from their childhood to till now, because we go to take vaccines or we go to for some fevers or something to doctor. Every kind of doctors have a stethoscope across their neck, okay? And if he's a pediatrics doctor or he's a medicine or he's a heart doctor, everybody puts a stethoscope. And definitely, they put the stethoscope on the human being at a particular place. Even though I can put a stethoscope, you can put a stethoscope, a student can put it and hear the sound. But when we hear the sound, we cannot diagnose that exactly what disease is about because we are not trained as a doctor, okay? Hmm. So a doctor who has done in-depth study of medicine or pediatrics or heart or lungs, how it works, they from the sound diagnose that exactly the heart is functioning properly or not, or there is some problem is there or not. So that training of a doctor as a specialist in that is called domain knowledge from the heartbeat. Okay. But hearing the sound, where to put the stethoscope and those things is called the skills, okay? Hmm. And similarly, CT scans, which we call as a computerized tomography or the scans of MRIs and all. So these are the all called skills. But after studying that, looking at that or heartbeat listening, a doctor can tell exactly what has happened because he has been trained. So there is a two different distinct things in medicines or doctor, I can say. One is called domain knowledge of heart, what is this beat sound stands for. Another is called where to put those stethoscopes to get the sound. That's the skill. So every knowledge streams has two areas. One is domain, one is skill. Similarly, computer science has, now I'm entering the computer science, has a domain knowledge and skill to represent that domain knowledge. For an example, कोई भी स्टूडेंट धरो घर से निकल के स्टेशन जाना चाहता है जी. घर से स्टेशन जाने के लिए तीन रास्ता होगा. लेफ्ट में जाऊंगा तो स्टेशन पहुंच सकता हूँ, राइट से जाऊंगा भी तो स्टेशन पहुंच सकता हूँ, तो और कोई रास्ते से जाऊंगा, तीन रास्ता है. लेकिन मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं, व्हिच रोड एंड द रूट आई शुड टेक टू रीच द स्टेशन एज क्विक एज पॉसिबल. सो देन कम द शॉर्टेस्ट पाथ काइंड ऑफ थिंग टू कंप्यूट एंड फाइंड आउट. ये हमारा दिमाग में हम करते हैं these calculations. Then I say, okay, if I go by the right side road, I can reach the station faster 10 minutes than going super left. But if the right side road has some jam due to the rain or something, then we'll not go on that road, we'll go on the left side. So these kind of computing to find out the shortest path jo aadmi karta hai, human being karta hai, is nowadays computers does that in a different way. So aapko example jo ki aajkal ka bachche sab jante hain called Google Map. गूगल मैप खोल देते हैं, गूगल मैप खोल के कहाँ है दिखा देते हैं, कहाँ जाना है बोल देते हैं. बट दैट कंप्यूटेशन ऑफ सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ रूट्स एंड व्हिच रूट इज जैम, व्हिच रूट इज नॉट जैम, हाउ कैन आई रीच क्विकली. सो दैट गूगल मैप, दैट एल्गोरिथम ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग इज कॉल्ड डोमेन नॉलेज, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस. बट somebody has to write a code. To develop that code to put on your screen as an application and do those kind of computing and all called programming. But the domain knowledge, if you have a strong domain knowledge, then you know what to compute, what to write a code and all. So hamare student logon ko ek clearly samajhna chahiye ki domain knowledge of computer science and engineering or any other areas, if they are going to any other areas, should be very, very strong. और उसके लिए जो प्रोडक्ट बनाना है, थोड़ा गूगल मैप हो कि मोबाइल हो कि कंप्यूटर बनाना हो, कुछ भी हो, कोई एप्लीकेशन हो, बैंकिंग का हो कि हेल्थ का हो, तो उसको बनाने के लिए कोडिंग चाहिए. बट क्या बनाना है वो जानने के लिए डोमेन नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली सर, आप जैसे जो आपकी बात कर रहे हैं, इसको हम ऐसे रखे बच्चों के सामने, तो मतलब आप बेसिकली ये बच्चों को हम ये समझ सकते हैं सर, जो हम समझ पा रहे हैं कि लाइक डोमेन और स्किल्स दो डिफरेंट एरियाज हैं और दोनों पे हमें अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी और समझना होगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है. सर यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा बच्चे का आ रहा है, बड़ा ही मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भी हमारे लिए भी है सही. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस? हाँ ओके, कंप्यूटर साइंस जो है इट देयर इज अ साइंस पार्ट ओनली एंड इंजीनियरिंग पार्ट इज व्हेन इट एडेड टू इट देन कम्स द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स. लेट मी गो वन बाय वन. ओके,
कंप्यूटर साइंस, प्योर कंप्यूटर साइंस इज फुल ऑफ मॉडलिंग. मैं आपको जो बता रहा था गूगल मैप के बारे में, द गूगल मैप एंड ऑल, सो इन दैट टू फाइंड आउट ए शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन, लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड, मैथमेटिकली मॉडल, बिकॉज आई कैन गो बाई डिफरेंट रूट्स बाई लेफ्ट साइड और राइट साइड, सो मैथमेटिक्स विल कैलकुलेट द ऑल एडिंग ऑल द रूट पाथ डिलेज आर कीप इन ईच फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड एंड टेल्स मी थ्योरेटिकली that this is my output, this is theoretical. So these kind of complex problems solving by mathematical representations or by logic called algorithm, there is another sort of algorithm, is called pure computer science in different areas. But the moment you want to develop a system levels of any of these theoretical ideas and people develop, for an example, I will give you another example nowadays people do a lot called robotics. How a robot works, how a robot's eyes are taking the images, and all lot of theory, maths, and image processing concepts are there, domain knowledge is there. But the moment you want, after understanding all those things, the moment you want to develop those systems and you see that robot is working, robot is doing what you have thought of, so then comes the engineering part. So computer science is the theory. Engineering brings in the systems development to it. A lot of depth needed in the right system development also. It's not so easy. And computer science is also not easy because a lot of interesting subjects are there. You have to understand in depth of that. And so theory and the system development together is computer science and engineering. Okay. Sir, ek aur question chhota sa hai bachon ka ki jaise agar hume is field mein apne aap ko grow karna hai. Exactly. Haan. So is it good to become an early starter? Ya sir, hum ek later point of time pe aake hum skills seekh sakte hain. नॉलेज गेन कर सकते हैं और हम अच्छा कर सकते हैं, या मैं शुरुआत से exactly. जैसे छठी क्लास से सातवीं क्लास से मैं इस पे आशा सर जी परसेप्शन बन गया है जैसे आज की डेट में कि वी शुड स्टार्ट एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन आवर लाइफ टू डू समथिंग रिगार्डिंग कोडिंग और एटलीस्ट स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेजेस व्हिच माइट हेल्प देम इन फ्यूचर. Can you just elaborate on these things, whether this is the main area of that should be your focus or they should be more oriented towards problem solving skills? हाँ, very good. So let me go systematically because these are very young people, very nice, they are listening to this. So let me go very systematically one by one. You see, there are three fundamental areas on this earth. Anything you want to solve on this earth, only three. So those three, one is your physics. Okay. Second is your chemistry. Third is your biology. Okay. These three solves the whole world nature's any problem, any things on this, even the systems also. Like you're like a big building you are structuring, that is a physics, how much weight it will be there, and in also chemistry, cements and all you develops, and whether it will not rust, the paintings are chemistry. Anything on the earth you see, the trees or the human being and all. But to represent these three in a particular modeling, mathematics is required. So these four things you have to be very, very strong. One is physics, chemistry, biology, to understand the any systems or any nature, system or nature, and math to represent them. Any physical things, if you read physics or chemistry, you can model by the mathematics. However, math is now comes as a modeling the whole systems. And math does another interesting thing to the human being, logical thinking. Yes. When you want to solve a problem, that problem solving, you said that word is very, very important. So that develops a logical thinking for human being. So we Indians, particularly due to our strong schooling and JEE preparation followed by that, we are strong in these three, four subjects very well. So our logical brain is very good in that way. So as a result of which, when you go in your early school career, like 9, 10, 11, 12, you should be very strong in these four subjects. And English or any mother tongue you know well, how to represent this physics, chemistry, or biology, and represent in a mathematical form, you should learn by that. So now I am coming to the point that early learning of the things. Okay. So now please try to understand that, as I said you a few minutes back, the domain knowledge of a subject like in your computer science or engineering, for an example, there is an operating system there in your computer. You call it as operating system. All your, if I'm speaking to you, how it is reaching to you, you are sitting in various parts of the India. My information is reaching to you by routing of my voice and my images reaching at you
in a short time, we are in milliseconds actually, yes. 200 milliseconds, it's not a second also, less than that. Yes. So this fast routing, how this protocol routing happens, how you reach to your disk, these are called domain knowledge. And your system inside your computer and laptop, after understanding the domain language, those who know coding, they code it, the language they use for coding. So coding, you have to learn to develop any system, the computer science and engineering part. If you want to do that engineering part to develop any system and you want to prove your idea that it is working properly or not, then coding has to be learned. And before that, mathematics also needed to prove your idea is proper modeling way, telling that, hey, this is correct, by model it correctly. From that, I code it, implement it, my modeling result and my coding result output from my systems are coming same. Then I can say it is working fine. So please don't worry at all. You are in a very right track because we are in a, you're getting a very strong teaching from your different schools, and you are also in this kind of platform like educational system. Look at this, like On Academy, I can see in his on his t-shirt On Academy nicely. This kind of platform are very complex, and this platform, look at this, we are today, classes are going on, millions of students are joining these classes from different part of the India, and you just click on your screen, then you join. You, that software architecture who has developed for that On Academy kind of thing, educational system, marvel, these are all computer science thing, pure computer science people, those who have a very strong logical brain, from like you people, they have gone through the mathematics, physics, chemistry, and read later on computer science subject called software engineering inside the computer science called algorithm. These two subjects, they developed this platform. Flipkart, Amazon shopping, those platforms, educational system platforms, healthcare platforms, you have a lot of banking platforms, software platform I'm talking about, all by the computer science paper. So sir, actually you suggest basically what we comprehend is like, because I'm comprehending for them also in the, so that we are also understanding actually, because these things are also new for us as well. So what we are understanding is like, physics, chemistry, maths and biology are four pillars which are required. You can't ignore them. No. तो बच्चों सभी बच्चे बात सर की समझ पा रहे हैं कि ये यार अपने जो core subjects को बिल्कुल भी ignore नहीं करना है हमें. लेकिन हाँ, जो कोडिंग वाला पार्ट है इसको भी हम काम कर सकते हैं. सर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, मतलब ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम, मतलब मैं आपसे पर्सनल पूछ रहा हूँ. जैसे जब हम लोग पढ़ते थे, आशिन सर आपके समय शायद कुछ और लैंग्वेज आ गई हो, हमारे टाइम पे सर सी चलती थी, फिर सी प्लस प्लस आ गई, फिर जावा आ गई, फिर पाइथन. अब सर इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अपने को कैसे अपग्रेड रखते हैं लोग, मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस लगता है मुझे कि अभी आज जो मैं सीख रहा हूँ ये कल तो पुराना हो जाएगा. तो हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए जो एक एवरग्रीन लैंग्वेज कोई होती हो ऐसी कंप्यूटर साइंस में जो सब लोग पढ़ सके, या एक एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको इवॉल्व करना ही पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या अपग्रेड करना ही पड़ेगा हमें, वी आर नॉट ऑप्टिमल. आपने पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा, ये मैं सच बताऊं, ये मिलियन डॉलर की क्वेश्चन है. थैंक यू सर. अरे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में जिन लोग काम करते हैं, इवन दो दे आर 5 इयर्स 10 इयर्स एक्सपीरियंस एक्सीलेंट कोडर, दे आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम व्हाट यू आर टेलिंग. Today also I was in a series of meetings with the government. So these are the same question I asked them. Have you thought of? Because as you rightly said, new languages came. Fortran, Pascal tha, uske baad C aaya, after that C++ aaya, uske baad Java, Python aa gaya, and .NETs and all. And it will not be there. After 4-5 years, this something new will come. So kya karna chahiye? Ye bahut bada question hai for everybody. Sabse bada cheez hai, yaad rakhna, your fundamentals and the basics of the subjects, the logical brain, if it is very good, if you have developed your brain logically strong by solving the physics problems, chemistry problems, maths problem from childhood, and later on computer science or engineering, any of the engineering areas problems you solve by your hand by practice, then your brain logically strong ho jata hai. To language sikhne ke liye, koi language sikhne ke liye more than 1 mahina nahi lagta hai, 2 mahina nahi lagta, naya naya language aata hai chala jata hai. But if some Indian children or Indian kids does so well in coding because unka bachpan se logical brain bahut strong hai, wo koi bolta nahi hai, that is the main thing. Hamara logical brain bahut strong hai, aur hamara aur ek cheez bahut acha hai, bachpan se hum log ko yaad kiya gaya hai, jo ki kuch log bolte acha nahi hai, hum log ko bahut sari cheez hum log yaad rakhte hain bachpan se, songs yaad rakhte hain, we learn lot of music and we also learn lot of things in the class, teachers tell us. सो हमको जो प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स है ना, हम लोग बहुत जल्दी याद रख देते हैं.
ओके ये दोनों चीज इंडियन बच्चों को बहुत हेल्प करता है. लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल ब्रेन ऑफ द स्कूलिंग एंड लेटर ऑन द प्लस टू साइंस में जो पढ़ते हैं, जेई के लिए जब प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, कितने टाइप का प्रॉब्लम आप देते हैं स्टूडेंट को सॉल्व करने लिए बिफोर द जेई, एक्चुअली दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेक दैट ब्रेन वेरी वेरी शार्प. And that the logical benefit is strong, the fundamental basics is strong, nothing to worry for lifetime. Basics are for lifetime. Hamesha main mere student logo ko bolta hun, even though they are doing BTech, MTech and PhDs also, PhD the bright students, ek cheez bolta hun, tum pehle basic, it means domain knowledge mein tum research kar rahe ho, ba padhai kar rahe ho, pehle uska domain ka fundamental samjho, basics. And everything built up on the basics. Main aur ek example deta hun, aap to language ki bole. मैं आप लोग सब लोग फोन यूज करते हैं, ये देखो मोबाइल फोन 3G था दो साल तीन साल पहले, अभी 4G, अभी 5G आ रहा है. ओके सो नाउ हम लोग रिसर्च कर रहे हैं 5G एडवांस एंड 6G रिसर्च शुरू हो गया है जो कि 10 साल के बाद आएगा. लेकिन ये जो चेंज हो रहा है, बट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट थिंग्स. ओके तो अभी वर्ल्ड में हो रहा है सिमिलरली कंप्यूटर, ये लैपटॉप भी कितना कितना छोटा हो रहा है, कितना स्लिम हो रहा है. तो जो लोग लैपटॉप में रिसर्च करते हैं उन लोग कितना मेमोरी बढ़ रहा है, प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ रहा है. सो जो जो लोग काम करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इन लोग का काम है इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना. हाउ दे डू इट, इवन दो इट चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, बट द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स आर सो स्ट्रांग एंड क्लियर. कोई नया चीज को डरते नहीं है, पढ़ते हैं, पढ़ के समझने के लिए कोशिश करते हैं क्या नया चाहिए लोगों को, फिर उसको सॉल्व करके फिर प्रोडक्ट बनाते हैं. सो बेसिक्स क्लियर, फंडामेंटल, वेरी नाइस क्वेश्चन. सीरियसली एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू दैट एंड नाउ इट इज अ ह्यूज टर्मोइल गोइंग ऑन इन द होल इंडियन आईटी इंडस्ट्री एंड द वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग बोल के आ रहा है, कंप्यूटर साइंस में सब आ रहा है, डाटा साइंस आ रहा है. ये पूरा चेंज करेगा बॉल गेम. ये बच्चे जब बीटेक पास करेंगे, एक साल बाद ज्वाइन करेंगे, पास करेंगे कंप्यूटर, पूरा चेंज हो गया होगा बहुत सारे चीज. वो भी चेंज होता रहेगा, नेक्स्ट 30-40 इयर्स चेंज होता रहेगा. सो इफ देयर बेसिक्स आर स्ट्रांग गुड, दे विल कैच अप, दे आर शार्प, दे आर हार्ड वर्किंग, दे विल कैच अप. सर एक वर्ड हम कई सारे सुनते रहते हैं, से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, न्यूरोलॉजिकल कंप्यूटिंग हो गया, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, अब इतनी सारी ब्रांचेस हैं. आप सिविल कर लो, आप मैकेनिकल कर लो, आप इलेक्ट्रिकल कर लो, सो देयर इज अ सेफ सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग स्कोप. कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी सिक्योर थिंग, बट द न्यू अपकमिंग ब्रांचेस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, दो कोर्सेज आर अवेलेबल, बट स्टूडेंट्स आर अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट दीज थिंग्स. सो कुड यू एक्सप्लेन हाउ दीज ब्रांचेस आर गोइंग टू वर्क आउट इन फ्यूचर, सर? ओके सो मैं थोड़ा मेरा एग्जांपल, हमारे टाइम का एग्जांपल देके फिर बच्चों को फ्यूचर को ले जाऊंगा. जब हम लोग जब स्टूडेंट जब शुरू हो रहे थे तब कंप्यूटर साइंस ब्रांच जस्ट इट वॉज बॉर्न इन इंडिया, जस्ट शुरू हुआ था. And computer science branch was born from electrical and electronics engineering. The mother was electrical engineering and electronics engineering. वहीं से कुछ लोग जो कि digital circuits or digital के ऊपर काम कर रहे थे, they went towards computer science because computer was just came in at that time and already came in, but the courses, BTech courses, MTech courses was designed and came in just 3-4 साल पहले हम लोग BTech उसने से पहले. So now at that time people very less people used to go to computer science, mainly it was electronics and electrical. But computer science ka itne sare applications aa gaya, itne sare use aa gaya, aur itna future, itna vast hai computer science ka, next 30-40 years ye itse hi expand karta jayega. Okay, so now let me give you example. Computer science mein itne sare branch ho kaise raha hai, kyun ho raha hai, kya karna chahiye. सो पहला 2 साल बीटेक में कि जो 11-12 में जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस का एक बड़ा एरिया बनने जा रहा है. नाउ डेज पीपल आर डूइंग डीएनए सीक्वेंसिंग, मेडिसिन, दिस वैक्सीन टेस्टिंग, ऑल कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी मिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स होके ये बन रहा है. तो इस स्ट्रॉन्ग इंटरडिसिप्लिनरी बोल के एक एरिया बन रहा है. कंप्यूटर साइंस विल बी ड्राइविंग इट बिकॉज इट इज द लॉट ऑफ कंप्यूटेशन नीडेड for finding out any results. So, but others will be the domain knowledge like biologies or other areas of the engineering and all. So coming to the point, what you asked to me is that what will happen to the future of these students? So computer science kya hua hai abhi?
बहुत बहुत एप्लीकेशंस नया है. अब मैं डाटा साइंस से शुरू करता हूँ. व्हाट इज डाटा? आई हैव टेकिंग, पीपल आर टेकिंग इन दिस मोबाइल सो मेनी इमेजेस एवरी सेकेंड, मिलियंस ऑफ इमेजेस टेकन अक्रॉस द ग्लोब. सब लोग फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं. तो उसको एनालाइज करने के लिए, जब किसका फोटो किसके साथ मिलता है, ये उसका रिलेटिव है कि नहीं, वो इसका ये है कि नहीं, सो देन देयर इज अ न्यू एरिया कमिंग आउट द कंप्यूटर साइंस इज कॉल्ड सोशल सोशल साइंस, मैचिंग ऑफ द फेस और फैमिलीज फ्रेंड्स एंड ऑल. सो ये जो कंप्यूटर साइंस का जो यूसेज है अभी वास्ट था. और एक है आपका, देखिए हेल्थ केयर में, अभी हेल्थ केयर में एक आदमी को 10 साल के बाद फीवर होगा कि नहीं, अभी से लोग रिसर्च कर रहे हैं. सो डाटा लेके बॉडी का, ब्लड का, ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या कितना घंटा सोता, सब लेके उसको एनालाइज करके बोलते हैं ये आदमी 4 साल के बाद इसको बुखार होगा और इसको ये मेडिसिन खाना चाहिए. एनालिटिक्स ऑफ हेल्थ केयर इज कमिंग इन. आई एम जस्ट गिविंग यू द सम एग्जांपल. सिमिलरली इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आल्सो दे आर टेकिंग दिस मच ऑफ रेन हैपेंड, सॉइल क्वालिटी इज दिस, सो ऑल द डाटा दे टेक एंड डाटा साइंस पीपल आर कंप्यूटिंग टेलिंग दिस मच ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट विल हैपन आफ्टर 2 months. सो लुक एट द कंप्यूटर साइंस डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, योर सोशल साइंस, एंटरटेनमेंट. घर में बैठ के हम ये मूवी देखना है, खाली टच कर देते हैं स्क्रीन में, मूवी डाउनलोड होता है, कहाँ पर है, कौन सा सर्वर में है, कहाँ, हम सोचते भी नहीं है एज ए यूजर. कंप्यूटर साइंस एक सेकेंड में सॉल्व कर देता है, जस्ट ए टच. सो दोस एल्गोरिदम्स, दोस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स, द डिपोजिटरी ऑफ द डाटाबेस, आधार. देखिए अभी अभी एयरपोर्ट जाएंगे तो मैं जस्ट फिंगरप्रिंट लगाऊंगा, वो आधार में मेरा फोटो आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, मुझे आइडेंटिटी लेके जाना भी नहीं है, और एक सेकंड का अंदर आ जाएगा वो कहीं भी हो. डाटा आई एम मे बी इन द साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया, डाटा सेंटर नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया में. सो कंप्यूटर साइंस गॉट सो मच डाइवर्सिफाइड नाउ इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया, पीपल कन्फ्यूज है, एंड दैट इज ट्रू वॉट यू सेड. बट कन्फ्यूजन होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि एज आई सेड, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे से बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स को क्लियर करना है, लाइक योर मैथमेटिक्स इन बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर, विच इज जस्ट स्मूथ कर्व, जस्ट अपलिफ्टमेंट फ्रॉम योर क्लास 11-12, इट विल टेक यू स्मूथली टू दैट डिरेक्शन. एंड सम ऑफ द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स लाइक एल्गोरिदम, डाटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड योर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, डाटा बेस, फंडामेंटल्स शुड बी क्लियर पहले 2 साल में. थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको जो एरिया अच्छा लगे, धरो आपको अच्छा लगा ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी कितना चेंज हो गया, वर्चुअलाइजेशन आ गया, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, एज कंप्यूटिंग अभी आ रहा है, नाउ इट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो जब जब से वो नया नया एरिया आ रहा है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम होकर, आप वर्चुअलाइजेशन होकर आप उसमें जा सकते हैं. आप नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन के एरिया में घुस के कंप्यूटर साइंस का आपने प्रोटोकॉल्स एंड ऑल, फास्ट मूवमेंट, फास्ट ट्रैवल को भी कर सकते हो. और एक बड़ा एरिया आपने बताया जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में आता है, सिक्योरिटी इज अ ह्यूज एरिया एंड लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड एवरीवेयर वी नीड सिक्योरिटी. जैसे कि घर में ताला नहीं मारो तो चोरी हो जाता है, सीधी बात है. कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी डाटाबेस और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जो जाता है नेटवर्क्स में, तो इन्फॉर्मेशन का जितना इन्फॉर्मेशन 3 स्टेट में है, ओनली 3 स्टेट्स. 1 state इज इन योर डाटाबेस, इट इज स्टोर्ड, स्टैंड स्टिल, इट हैज टू बी एनक्रिप्टेड एंड केप्ट देयर, सिक्योरिटी जरूरत है, कोई उसको हैक करके ना आने जैसे. सेकेंड स्टेट, आपका डाटाबेस से जब वो मूव करते हैं आपका कंप्यूटर को आता है, आपने बैंकिंग अकाउंट खोला, बैंक का डाटाबेस से आपका अकाउंट आपका स्क्रीन के ऊपर आया, क्या हुआ, कम्युनिकेशन. सो इट इज इन अ कम्युनिकेशन स्टेट, उधर भी सिक्योरिटी चाहिए, कोई हैक करके ना ले जाए नेटवर्क से. थर्ड है, आप जब कंप्यूट कर रहे हो आपका कंप्यूटर में, 2+2 में बैंक से आ गया, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ डिलीट करना चाहता हूँ, कंप्यूटेशन के टाइम भी मैं हैक करके कोई इन्फॉर्मेशन ले सकता है, क्योंकि उस टाइम मैं डिक्रिप्ट कर दिया इन्फॉर्मेशन को, कम्प्लीटली डिक्रिप्टेड. सो लॉट ऑफ न्यू रिसर्च एरियाज इज कमिंग दैट डिक्रिप्ट, कोई इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट नहीं करके भी एनक्रिप्टेड कंडीशन में भी मैं एडिशन, डिलीशन, सब्सट्रैक्शन कर सकता हूँ. दिस आर कॉल्ड होमोमॉर्फिक सिक्योरिटीज एंड ऑल. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स इन इंडिया आर डूइंग गुड, वंडरफुल रिसर्च अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो. सो दीज आर वेरी कोर एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स एंड ऑल्सो ऑल आई सेड ऑपरेटिंग सिस्टम, आई सेड नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, कंपाइलर डिजाइन, यू ऑल, ये सब करने के लिए. नाउ आई एम कमिंग टू योर AIML. देखो आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं AIML को लाता हूँ. आप तो एक्सपर्ट्स हो केमिस्ट्री में, आप एक्सपर्ट हो फिजिक्स में, बट आपको धरो फाइनेंस में, धरो कहीं इन्वेस्ट करना है और हेल्थ में आपको कुछ जाना है,
आप तो एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो सब चीज में, तो हम लोग बनने, मैं भी नहीं बन सकता हूँ, कोई भी नहीं बन सकता है. तो मुझे तेरा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तेरो बोलते हैं इधर इन्वेस्ट कर दो, लेकिन कैसा करना है, सीप ले लो बोलता है कोई, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. मैं जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल. और कोई बोलता है तुम्हारा हेल्थ का ये चेकअप करो, क्या होना चाहिए, क्या मेडिसिन खाना चाहिए. तो ये सब को जो एनालाइज करके आपको कोई आंसर दे दे विदाउट गोइंग टू एनी ह्यूमन बींग, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ह्यूमन बींग इज कॉल्ड नेचुरल इंटेलिजेंस. एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका जो इंटेलिजेंस है वो बोलता है दवाई खाओ. मैं उसका नॉलेज, डॉक्टर का नॉलेज को ले लिया, एक कंप्यूटर में डाल दिया, और मैंने डॉक्टर को जो सिम्टम बोलता हूँ बोलने से, जो दवाई मुझे बोलता है ये दवाई खाओ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाके कंप्यूटर को बोला है मेरा सिम्टम है ये, मैं क्या दवाई खाऊंगा. तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके एल्गोरिथम्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल ही गिव्स यू अ मेडिसिन. ओके, यू बाय दिस एंड इट विल बी ओके. सो ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी, आहिस्ता आहिस्ता एवरी ह्यूमन बींग विल गेट ऑल द फैसिलिटीज बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ मैं और 10 सेकेंड बोलूंगा इसके ऊपर, क्योंकि बच्चों का और क्वेश्चन होगा कि आपका भी होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सुपरसेट, सबसे बड़ा है. उसका नीचे आता है आपका मशीन लर्निंग. मैं एक एरिया में मैं उसका कुछ एरिया में मैं मशीन लर्निंग यूज कर सकता हूँ. और कुछ बोलते हैं डीप लर्निंग. कैसे डीप लर्निंग किसको बोलते हैं, एक इमेज, मैं एक इमेज ले लिया, इमेज में भी ऑफ ए केक, बट केक में, केक के ऊपर एक छोटा सा डॉट, ब्लैक डॉट था, दो आंख का डॉट था, किसने सुंदर रखे, तो ऊपर से फोटो लो तो उसको एक डॉग जैसा दिखता है वो केक, बट इट इज ए केक. बट इमेज से कैसे जानूं जे ये केक है ना डॉग है, नेचुरल डॉग है. तो दिस डिफ्रेंशिएशन, इसके लिए सिस्टम को ट्रेन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग टू डीप लर्निंग. सो ये सब आहिस्ता आहिस्ता लोग सीख जाएंगे, कोई टेंशन लेने का कोई बात नहीं. और अनदर 20-30 ईयर्स ऑफ मिनिमम रिसर्च इज लेफ्ट. मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, आपको टाइम देंगे तो 10 सेकेंड. देखो ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस कार अभी आ रहा है. लोग आराम से गाड़ी के पीछे बैठेंगे, ड्राइवर नहीं होगा, ऑफिस जाएंगे. सोचो कहीं बेंगलोर में कि हैदराबाद में, ड्राइवरलेस कार कैसे बने, ये पूरा कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट ह्यूज वर्क कमिंग. एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो एक कैमरा रहेगा और चारों तरफ सेंसर्स रहेगा, कोई पास आ रहा है, कोई आगे आ रहा है. इंडिया में कोई भी कभी भी सामने आपका गाड़ी का सामने आ सकता है. आपको एक सेकंड का अंदर ब्रेक मारना है, ब्रेक मारना है एक सेकंड मीन्स आपको 10-20 मिली सेकंड का अंदर मशीन को डिसीशन लेना है कि जे मेरे पास कोई आ गया है, मुझे ब्रेक को, ब्रेक तो स्लो ना, ब्रेक तो मैकेनिकल, दैट इज वेरी स्लो, एक सेकंड क्या दो सेकंड लगाओ तो सामने का आदमी तो पूरा 9th क्लाउड को चला जाएगा धक्का मार के. तो इसीलिए ये जो चीज है, बहुत सारे डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का चीज सब आ रहा है अभी. तो बहुत काम बाकी है, बहुत काम बैंकिंग में भी बाकी है, हेल्थ में बाकी है. नेचर अभी तक चारों तरफ फ्लड हो रहा है, इतने सारे फायर्स हो रहा है. क्यों हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. किसे कंट्रोल किया जाए बाय यूजिंग द सेंसर, टेकिंग देम, कंप्यूटिंग, गिविंग एडवाइस टू अस ह्यूमन बीइंग, हे यू डोंट डू दिस, डोंट कट हियर, कट ट्रीज फ्रॉम समवेयर एल्स, प्लांट ट्री हियर टू बैलेंस द नेचर. सो कंप्यूटर साइंस का चारों सब एरिया में एप्लीकेशन है, मैंने एग्रीकल्चर, हेल्थ, बैंकिंग, ड्राइवरलेस कार, ऑटोमेशन, योर एजुकेशन, आई टोल्ड यू द प्लेटफॉर्म, एंटरटेनमेंट. आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इट इज कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर साइंस पीपल, बिकॉज वो कंट्रोल रूम में बैठ के पावर ग्रिड के लोग एक बटन में प्रेस करते हैं, then power supply comes from somewhere to somewhere, then goes command, open up the switches, close the switches. So कहाँ से कहाँ power लेने से optimum power use होगा, renewable energy कैसे use होगा, इस सब computer science के लोगों ने optimize करते हैं. सर एक क्वेश्चन है, जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन, आशीष सर कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं तो बस एक बहुत सिंपल सा जो हर बच्चे का सवाल होता है वो ये कि should the students try to get into a good college and then opt for a career in coding or from the very beginning start from coding itself. ये मतलब काफ़ी बच्चे, और आज की डेट में तो, क्योंकि ना आपको मैं इस पॉइंट का आज इसलिए बहुत रिलेवेंस है क्योंकि कल से हमारा जेई एडवांस की अलॉटमेंट शुरू होगी. तो काफ़ी बच्चे आज से मेरे से यही बात कर रहे हैं कि सर शुड वी गो फॉर अ गुड कॉलेज एंड देन फर्दर डिवेलप आवर करियर इन कोडिंग वाइल इन अ डिफरेंट ब्रांच, और शुड वी फ्रॉम वेरी बिगनिंग गो फॉर अ कोडिंग करियर.
सर इसी में मैं अपना भी क्वेश्चन एक ऐड कर दूं, दोनों क्वेश्चन कंबाइन मेरा भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास है। एक दो बच्चे कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे कोडिंग या जो भी हमें शुरू करना है, आप हमें एक टाइमलाइन दे दें कि बच्चा अगर पांचवी क्लास में तो उसको ये आना चाहिए, दसवीं क्लास में तो उसे ये आना चाहिए, बारहवीं क्लास में उसे ये आना चाहिए, और फिर उसे एक मतलब थोड़ा सा एक हमें क्रोनोलॉजी मिल जाएगी भाई ऐसे करना चाहिए, दिस शुड बी द राइट अप्रोच। जैसे मान लीजिए मेरा बेटा किसी क्लास में, तो भाई मैं चाहता हूँ बेटे के अपने बेटे के लिए कि ये इस क्लास में ये पढ़ना चाहिए, किसी और का बच्चा उस क्लास में उसको पता चले ये पढ़ना चाहिए, तो एक थोड़ा सा हमें क्रोनोलॉजी भी दे सर, क्योंकि आप तो सारी चीजों को ऊपर से देख रहे हैं, हम लोग के लिए मतलब ये समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर मैं इसका आंसर देता हूँ, मैं देता हूँ, लेकिन बच्चों को बहुत प्यार से और बहुत समझदारी से इसको सुनना चाहिए, क्योंकि ये मैं थोड़ा बहुत बहुत सोचा हूँ, मैं इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च करके बोल रहा हूँ। देखो भैया, भारतवर्ष में कोडिंग के लिए इतना क्यों हम लोग बोलते हैं, इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्योंकि भारत में जो जॉब्स है, आईटी इंडस्ट्री है, वो मेजरली है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस मींस कोई कुछ आइडिया देता है, कोई कुछ इन्वेंट करता है डिफरेंट कंट्रीज में, यूएस में और जर्मनी में और जापान में और कोरिया में और इंडिया में भी आजकल होता है बहुत सारे रिसर्च, बट आई लुक एट 100% ऑफ दैट कोडिंग आउट ऑफ द 10% इज हैपनिंग इन इंडिया, रिसर्च एंड कोडिंग फॉलोड बाय दैट, बट रेस्ट 90% कोडिंग हैपनिंग इन इंडिया वेयर द इनोवेशन हैपनिंग द अब्रॉड। दे इनोवेट एंड दे गिव अस द डॉक्यूमेंट कॉल्ड दैट SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर राइटिंग करने के लिए एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जो जिसको देख के हमारे इंडियन एम्प्लॉयज और आईटी सर्विस इंडस्ट्री कोडिंग करके प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको सेल करके कंपनी प्रॉफिट करता है इसीलिए। बट द मेन जॉब, द मेन ब्रेन 90% इज आउटसाइड, 10% इज इन इंडिया। इसको चेंज करना है, चेंज करने जाने में कोडिंग करना है, लेकिन कोडिंग विल बी आवर लाइक ए मैंने टू प्रूफ आवर आइडिया, इनोवेशन करके उसके ऊपर कोडिंग करना है। जो पहले इंडिया में 2% to 3% था रिसर्च फॉलोड बाय द कोडिंग, नाउ ये बढ़ बढ़ के अभी 10% के आसपास हो गया, इतने सारे स्टार्टअप आ गया, इतने सारे कंपनीज इंडियन खोल गए, तो इन्होंने अपना रिसर्च करके कुछ इनोवेशन करके उसका प्रोडक्ट बना रहा है, इट इज इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, वेरी नाइस। सो इंडिया में जो जॉब मिलता है कोडिंग में, इसीलिए हमारे बच्चे, हमारा पेरेंट्स, हमारा सारे फ्रेंड्स बोलते कोडिंग सीख ले जॉब मिल जाएगा। Exactly. लेकिन वो जॉब जो कोडिंग का है वो हमारा 90% नॉट 100% आज किसी ने सोचा है क्या कोड करना है, वो आपको खाली बोल दिया आप कोडिंग कर दो तो आप कोडिंग कर देते हो, क्योंकि वो टाइम सेव करता है फॉर डूइंग द नेक्स्ट इनोवेशन और नेक्स्ट रिसर्च। तो हमको थोड़ा समझना चाहिए इसमें, कोडिंग करो लेकिन मैं जो बोला पहले, डोमेन नॉलेज को स्ट्रांग करो, योर लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग करो, आप खुद एक इनोवेटर बनो। मैं एक प्रोडक्ट, नया चीज मैं बनाऊंगा, जैसे कि इंडिया में आजकल बन रहा है बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पीपल आर डूइंग, एंड आफ्टर दैट दे आर डूइंग इन द स्टार्टअप कोडिंग एंड डेवलपिंग समथिंग, एंड इन आई ऑल्सो सेड यू दैट 5G का लॉट ऑफ रिसर्च इंडिया में भी हो रहा है, आज बहुत हो रहा है, बहुत कंप्यूटर साइंस में भी हो रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में हो रहा है, करके कोडिंग करो। सो नाउ आई एम कमिंग टू योर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो देयर आर थ्री पार्ट्स, क्या करना चाहिए लाइफ में। सो फंडामेंटल शुड बी क्लियर, डोमेन शुड बी वेरी क्लियर, उसके ऊपर कोडिंग पे जाओ, दोनों को मिला के R&D में ज्वाइन करो कोई भी कंपनी, तब जाके तुम्हारे लाइफ का करियर ऊपर बहुत स्मूथली चलेगा। खाली कोडिंग करोगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगा, क्योंकि न्यू प्लेटफॉर्म्स विल कम, न्यू सॉफ्टवेयर विल कम, लाइक C++, Java.NET, तो आप खाली उतना ही सीखते रहोगे कोडिंग करते रहो, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए इनोवेशन करना पड़ेगा, दोनों मिला के करो, दोनों चाहिए, दैट इज पॉइंट नंबर वन। सीखना चाहिए, जब से मैथ कर रहे हो ना, लॉजिकल ब्रेन हो गया, कोडिंग क्या करते हैं, कोडिंग में क्या करते हैं, थोड़ा हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैथ हम स्टेप वाइज लिख के सॉल्व करते हैं, फिजिक्स स्टेप वाइज लिख के सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री भी स्टेप वाइज लिख के, सबसे सही कोडिंग में स्टेप वाइज कोड लिख के हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो कोडिंग पैरेलली कैन गो विद योर डोमेन, योर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सीखते हो ना, उसके साथ साथ कोडिंग भी सीख सकते हो, इट विल बी अ कंपल्सरी कोर्स ओवर द टाइम, ये और डिफरेंट नहीं रहेगा, बट एज आई सेड डोमेन और ये दोनों स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, डोमेन नॉलेज एंड कोडिंग। लास्ट क्वेश्चन व्हाट यू आस्क, सर अच्छे कॉलेज जाना चाहिए ना कोडिंग सीखना चाहिए, ये बहुत ही मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए सारे कॉलेज अच्छे हैं, दे आर ऑल माय कलीग सिस्टर इंस्टीट्यूट, सो मैं ये नहीं, इसी का आंसर देना मेरे लिए डिफिकल्ट है, बिकॉज नो वन शुड फील बैड, एनी ऑफ माई टीचिंग कॉलीग्स आर लिसनिंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन शुड नॉट फील बैड, बट विद ऑल हम्बलनेस आई विल गिव यू आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए भारतवर्ष में
क्या करना चाहिए वर्ल्ड कप वर्ल्ड में, व्हाई सम ऑफ द कंट्रीज आर सो गुड, देयर स्टूडेंट्स आर डूइंग सो वेल, व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल गोइंग अब्रॉड एंड ऑल. सो दिस आर अ वेरी फंडामेंटल थिंग्स एंड इंडियन सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर सो गुड डूइंग सो वेल, देयर स्टूडेंट्स आर डूइंग एक्सलेंट ऑल्सो इंडियन सम इंस्टीट्यूट. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी इशू, वहाँ का टीचर कैसे हैं पहले पता कर लो. कोई भी कॉलेज जाओ चिंता नहीं, कौन जो डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करोगे अप्लाई करने से देखो वहाँ का टीचर्स कैसे हैं. टीचर्स अच्छे हैं तो जब पढ़ाएंगे ना आपका एक सब्जेक्ट की तरफ अच्छे से पढ़ाएंगे, फ्रॉम बेसिक्स टू द हायर लेवल दे विल टेक यू, देन आपका एक सब्जेक्ट की तरफ प्यार बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. द मोमेंट ए इंटरेस्ट डेवलप्स ना, नाउ इंटरनेट हैज ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, यू जस्ट डाउन रीड प्रैक्टिस एंड यू विल ग्रो इन दैट सब्जेक्ट. सो इसीलिए मेरे ये मैं अच्छा कॉलेज व अच्छा इंस्टीट्यूट इनडायरेक्टली मैं बोला, जिस कॉलेज का फैकल्टीज अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे पढ़ा रहे हैं, उनका फीडबैक ले लो सीनियर से कैसे पढ़ा रहे हैं और उनका रिसर्च भी कैसा चल रहा है, उनका वेबसाइट में देख लो करेंटली दे आर पब्लिशिंग पेपर्स और नॉट. सो दोनों दे आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, द रिसर्च ऑफ द प्रोफेसर एंड द टीचिंग. सो उसमें क्या होता है कि एक प्रोफेसर का जो अंडरस्टैंडिंग होता है इन डेप्थ, वो जब क्लास में आता है एक स्टूडेंट को समझाता है, हे दिस इज द थिंग एंड यू शुड अंडरस्टैंड एंड वेरी बेसिक से लेके वेरी हाई लेवल तक चला जाता है स्लोली, एंड वो जो स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ता है वो फॉर अ लाइफ टाइम के लिए बहुत हेल्प होता है. सो वो करो. लैंग्वेज सीखने के लिए, कोडिंग सीखने के लिए 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं लगा टू स्टार्ट विथ. लेट on it will take 15 days to 1 month maximum. Starting mein 3 mahina is enough to learn any coding, any language. So many tools are available, so many books are quickly, but in domain knowledge seekhne ek acche kitab ki zarurat hota hai, acha professor ki zarurat hota hai, ye dono, nahi to seekhna thoda difficult ho jata hai. Only 2-3% learn by themselves, 97% needs a guru. Definitely. Thank you sir, thank you so much, matlab ye kaafi achi information rahi. आशीन सर कोई और क्वेश्चन अपना बच रहा हो, कुछ और पूछना चाहेंगे? सर बेसिकली मोर और लेस तो आपके पॉइंट्स कवर हो गए, बट हम एक चीज़ आपसे ज़रूर सीखना चाहेंगे कि रादर देन लैंग्वेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप एन एप्टीट्यूड एंड रादर देन गोइंग फॉर अ जॉब इट्स इम्पॉर्टेंट टू इनोवेट इन दिस इंडस्ट्री, देन ओनली वी शुड गो फॉर अ कोडिंग करियर. एप्टीट्यूड हमेशा वेरी वेरी सॉरी एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड यू सेड aptitude मतलब there is a learning attitude towards it and the child should be doing some puzzles or a kind of a thing where his overall mind becomes a little more sharper rather than learning. That is a very very important thing. Problem solving, that aptitude solving of a problem is extremely important. Why? Because brain ka jo cells hai na, after our birth it is everybody's by birth is same, not much different. But why after 10 years, 20 years, 30 years, the one man goes very good in one direction, another man is very good in another direction? Because he has used the brain in that direction logically more in aptitude solving the problems in that direction. So and everyone I will request should solve in, the problems by themselves, by reading and solving it. Then their aptitude will be and logical thinking will be very, very strong. If they switch over to any direction in the job career, so much changing is happening now, and the coding also they're changing to different direction, they will not fail, they will always succeed, always. Aptitude of problem solving is the things which is taught in the first year of BTech and second year of BTech, and also later on in any good universities in the world. वो आपने एकदम राइट कॉर्ड पकड़ा, स्टूडेंट्स को बोला वो बोलते जाइए प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सिंपल लैंग्वेज एंड दैट वी कॉल इज एप्टीट्यूड एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन एनी एरिया, देन द ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्यून्स इन दैट डायरेक्शंस. पता नहीं चलता है क्योंकि भगवान ने हमको जो ब्रेन दिया है ना, इतने सारे न्यूरॉन्स हैं अंदर, वो स्लोली डेवलप करता है. तो वो कितने साल लगा हमको बचपन में ABCD सीखने के लिए, उसके बाद हम लोग राइम सीखे, मैथ सीखे क्लास 4-5 में लेटर ऑन, बट अभी देखो कितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं. कभी सोचे थे डे वन में पैदा होती है हम एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन दे रहे थे किसने सॉल्व नहीं. सो आवर ब्रेन इज हाईली कैपेबल, वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट आवर ब्रेन, वेरी हाईली कैपेबल, बट सिस्टमेटिकली मूव करना चाहिए एंड हार्ड वर्क करना चाहिए.
और कभी नहीं डरना चाहिए, इंडियंस तो कभी नहीं डरना चाहिए। बाय गॉड्स ग्रेस वी पीपल इन अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, इतना अच्छा फैमिली का लव्स मिलता है, अफेक्शन है फैमिलीज का, एंड वी ऑल एवरीबॉडी वांट्स यू टू स्टडी इवन दो रिच और ए पुअर एवरीबॉडी, सो यू ओनली स्टे फोकस, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, थिंक अबाउट द प्रेजेंट, डू द हार्ड वर्क, ऑटोमेटिकली फ्यूचर विल फॉलो यू, यू डोंट हैव टू फॉलो द फ्यूचर। Okay. बच्चों सर ने जो बात कही लास्ट वाली बात आप बिल्कुल अंडरलाइन करेगा, ये सर ने बोला है कि यार हार्डवर्क करो, मेहनत करो, दिल से मेहनत करोगे तो जो भी चाहोगे मिलेगा, और कोडिंग को बहुत ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना है, कोडिंग इज जस्ट अ मीन, जैसा सर ने बताया कि एक माध्यम है, और आपका जो स्किल सेट है और जो आपकी डोमेन नॉलेज है इन दोनों को काम करते हुए इस पे बढ़ना है। अपने जो बेसिक साइंसेज जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी, प्योर साइंसेज और मैथ्स उसके साथ में इस पर अच्छे से काम करना है, यानी कि जो हम जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं इसको अच्छे से करते रहना है, ये हमें काफी आगे फायदा पहुंचाएगी। और कॉलेज की जहां तक बात थी, जैसे आशीन सर वाला जो क्वेश्चन था उसका सर ने आंसर यही दिया है कि भाई आप कॉलेज चूज करें, बट अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, आपका स्किल सेट अच्छा तो अपने आप इंप्रूव कर जाओगे और सही डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। मल्टीपल चीजों में सर ने बताया कि यार AI, ML है ना, ब्लॉकचेन, मल्टीपल चीजें, इन सभी में कुछ ब्रॉड टर्म्स हैं और कुछ उनके स्पेसिफिक टर्म्स हैं, लेकिन ओवर एंड अबव अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस आने वाले समय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रख रहा है, फ्यूचर में बहुत ही स्ट्रॉन्गली आने वाला है और ज्यादा आने वाला है, जितना भी दिख रहा है इसका मल्टीपल टाइम्स आने वाला है, ऐसा सर हम आपकी बात से सेंस कर पा रहे हैं, क्या सही है बिल्कुल जो मैंने बोला? परफेक्ट, यू वेरी नाइसली समराइज्ड इट इन अ शॉर्ट, बिकॉज़ वी हैड अ लॉन्ग टाइम कन्वर्सेशन, सो I went on giving example and all, but wonderfully you have summarized it. Thank you so much, sir, for your valuable time. और हमने सर से परमिशन, मैं बच्चों बताना चाहूंगा, हमने सर से रिक्वेस्ट किया था सर हमें 15-20 मिनट दे दीजिए टाइम, लेकिन अभी देखिए सर ने हमें लगभग घंटे भर का समय दे दिया है, सो थैंक यू सो मच सर, एंड वी हम्बली थैंक्स यू अ लॉट कि आपने इतना समय हमें दिया और बच्चों को इतनी सारी चीजें इतने कम समय में इतनी सारी चीजें समझाई, और जो एक डाउट जो पेरेंट्स के दिमाग में आजकल आ चुका है ना कि कोडिंग को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गए लोग, एक पैनिक सा क्रिएट हो गया है, तो वो मुझे लगता है रिजॉल्व कर दिया आपने और ये बता दिया कि यार अपने फंडामेंटल्स पे काम करना ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजें फॉलो करेंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू पीपल एंड मीट यू ऑल, एंड नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। तो अभी आपने देखा डॉक्टर साहब अपने साथ थे बच्चों, और आई होप यू लाइक द सेशन। इस सेशन में आपने बच्चों बात करी कि यार जैसे सर ने बताया, आशीन सर कैसा रहा सेशन बच्चों, क्या सर, लगता है? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सेशन रहा, एंड आई फील कि बच्चे वुड हैव फील्ड अ लॉट ऑफ एनलाइटनमेंट इन द सेशन। मेरे को मतलब हमें ना एक परसेप्शन होती थी कि exactly. इस चीज का ऐसे होना है, ये कोडिंग ऐसे चलेगी या ये ब्रांच ऐसे चलेगी, सर ने आज वो सारी परसेप्शन तोड़ी और आज एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें बताया कि कोडिंग एक्चुअली क्या है और किसको कोडिंग करनी चाहिए और क्या तरीके से कोडिंग करनी चाहिए। मतलब मेरे भी सर मेरे फंडे आज जैसे पहली बार क्लियर हुए हैं लाइफ में, फंडे क्लियर करती है सर, फंडे क्लियर करती है, फंडे क्लियर करती है। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर, बिल्कुल सर, और अभी वंस अगेन थैंक्स डॉक्टर देवव्रत दास। चलिए बच्चों फटाफट एक बार देख लेते हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप अगर नहीं अभी तक तो यार आ जाओ, देखो कितने प्यारे सेशन आपके लिए हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं और आपके फ्यूचर को हम कितना ध्यान में रख रहे हैं। आशीन सर ने तो बिल्कुल दिल छूने वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, बच्चों की काउंसलिंग कल है, तो यार आप देखो कितना ध्यान रखा जाता है आपका यहाँ पे, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ कहाँ मिलेगा, तो यार यही मिलेगा इस चैनल का, याद रखिएगा, चाहे वो एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन हो, चाहे वो मेंस के पेपर के डिस्कशंस हो, सबसे पहले कहीं मिलेगा तो मिलेगा J247 पे, बिल्कुल सर। तो यार अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर अब तक नहीं लिया है तो आप किसका इंतजार कर रहे हो, ले डालो, कोई भी ऐसा नहीं कुछ प्लेनेटोरियल इंटरवेंशन का वेट कर रहे हो कि जब मंगल ग्रह सूर्य ग्रह के सामने आएगा तब हम प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, ऐसा मत सोचो, सब्सक्रिप्शन ले डालो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, टाइम, दिस इज द टाइम नाउ, राइट? तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन विद एजुकेटर, देखिए कितने सारे यहाँ पे बेनिफिट्स आपके पास हैं, इतने सारे बेनिफिट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, कहीं और नहीं मिलेंगे, है ना? एक सेकंड, ये थोड़ा सा, एक सेकंड, परफेक्ट है, परफेक्ट है। देखिए तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको J247 पे आने के बाद, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए प्लस पे जाने के क्या क्या फायदे हैं, प्लस पे आएंगे तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, एजुकेटर से इंटरेक्शन मिलेगा, लाइव पोल्स मिलेंगी, लीडर बोर्ड और टेस्ट सीरीज के एनालिसिस, जहां पे साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेंगे बच्चों, तो इसको इग्नोर मत करना। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, दो लोग तो आपके सामने इधर भी उधर भी है ना,
और आप देख सकते हैं यहाँ पे समीर बंसल सर, आरती बंसल मैम, नमो सर, डीसी पांडे सर, ये सभी लोग आपको यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। इंडिया के टॉप 75 एजुकेटर्स जो हैं वो सब प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो आप पढ़ो यहाँ पे यार, जितना पढ़ना चाहते हो दिल खोल के पढ़ो। आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक है आशियन स्पेशल, ये tinyurl.com/aashiyanspecial, इस लिंक पे जाके आप आशियन सर की सारी स्पेशल क्लासेस फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली tinyurl.com/anuspecial पे जाके ये मेरी सारी क्लासेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोनों लिंक याद करेगा, ASHIN SPECIAL स्पेशल की स्पेलिंग आपको आती है, अनुज स्पेशल, ठीक है, ये काम कर लेना। क्विज हमने क्विज डे कल ही बनाया, इसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, आपको पता ही क्विज के बारे में। क्विज के लिए आपको पूरे फंडे पता है, इस पे फर्दर हम हर ट्यूसडे क्विज करते हैं, आपको पता है बात, ठीक है। और स्टेप कैसे करोगे, देखो प्लस पे आइए, ITJEE पे आइए, ITJEE के आने के बाद सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन उठा सकते हैं। कौन सा लेना चाहोगे भाई, आपकी च्वाइस है, बट यार अगर आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो तो सबसे पहले ये तो ले डालो, इसमें कुछ पर दिमाग लगाओ, वन मंथ सब्सक्रिप्शन लेके एक ट्रायल तो मारो सबसे पहले, मतलब ये आपको आज के आज अभी के अभी ले लेना चाहिए। एक काम यहाँ पे बच्चों, इतना सिंपल सा फंडा आपको बताता हूँ, अगर कंफ्यूजन हो ना, आज से देखो जेई का पेपर किस दिन तक है, और जब पेपर है उसके ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लो, उस हिसाब से खत्म करो। बार बार काहे इस चक्कर में फंसता है, एक ही बार में देके खत्म करो, और मतलब दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू गाइस। 2021 वाले 34,650, 2022 वालों के लिए है प्राइसिंग 50,400, मेरा कोड है आशियन लाइफ, सर का कोड है या AMC लाइफ, आप दोनों में से कोई भी कोड यूज करो एंड यू कैन डेफिनेटली टेक द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एंड बहुत ही बच्चों बढ़िया रहने वाला है, इनफैक्ट ड्रॉपर्स के लिए तो खास करके लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि जो बच्चे इस टाइम पे ड्रॉप के लिए कंसिडर कर रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली गो विद दिस एंड गेट मल्टीपल इनपुट ऑफ देयर सब्जेक्ट एंड देन ग्रो अलॉट विद इट। बिल्कुल, और यार हम लोग बहुत सारे बैचेस भी शुरू कर रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे, वो सारे बैचेस आप देख सकते हैं प्लस पे, उसका फायदा ले सकते हैं, इसलिए प्लस पे आ जाओ, प्लस पे अब मत सोचो ज्यादा। बिल्कुल, और कुछ स्पेशल क्लास के अनाउंसमेंट भी आपके लिए, जैसे संडे को एक स्पेशल क्लास में रख रहा हूँ 10:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, ये 5 घंटे की क्लास है जिसमें 12th की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी हैंडल की जाएगी, 5 चैप्टर्स हैं, सभी की पूरी थ्योरी रिवाइज होगी, क्वेश्चंस रिवाइज होंगे। कल से आपका J247 पे, कल से आपका शुरू हो रहा है यूट्यूब चैनल पे, क्या शुरू हो रहा है बच्चों, रिविजन पूरा शुरू हो रहा है, ठीक है। इस कोर्स को आप मिस मत करना, टाइमिंग है 7:45 से 8:45, इसमें आशिन सर और मैं ऑल्टरनेट डेज पे आपको पूरे पूरे टॉपिक्स यहाँ पे कराएंगे, तो आप इसको बिल्कुल फॉलो कर लें, ये सब चीजें मिस मत करना किसी भी वजह से। बिल्कुल, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है अभी तक तो ले सकते हैं, और जो लोग प्लस इस पे आना चाहते हैं वो ये भी काम कर सकते हैं, और इसके अलग बेनिफिट है बच्चों, इसमें ITJEE वर्कशॉप, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, थोड़ा पर्सनल टच आपको मिल जाता है यहाँ पे, स्टडी प्लानर है और टेस्ट की एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये एक सेशन है 18 तारीख को, इसको आप देखिएगा, अ जर्नी फ्रॉम डॉपर टू टॉपर, एक काउंसलिंग सेशन है, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है बच्चों। और J247 को फटाफट सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। यार ये 10,000 का नंबर, मतलब आप लोगों ने तो यार बाकी कर दिया, ये 10,000 कब से आज ही पार करना चाहिए सर, आज ही पार होना चाहिए। मतलब अभी मैंने कल बच्चों से बात की थी कि भाई कल हो जाना चाहिए था, मतलब अपने जो गेस्ट आए थे इनको हम 10,000 से वेलकम करते, बट कोई बात नहीं, आज के आज अब इसको आप फैला दो, जितने भी लोगों को दुनिया में जानते हो पर्सनली उन सभी को बोलो कि भाई सब्सक्राइब करें, और फटाफट चैनल पे लेके आ जाओ सारे बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको बेस्ट कॉन्टेंट, क्वालिटी कॉन्टेंट, और सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें, PDF आपको मिलती है सारी चीजों की। और आज का सेशन आई थिंक बच्चों आपको मजेदार लगा होगा, अपने कमेंट्स जरूर दें यार, है ना, अपने कमेंट्स जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी कराता है, ठीक है, जेई का हो, नीट का हो, 9th, 10th, 11th, 12th, तो यार ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं, यूज रेफरल कोड आशियन लाइव, AMC लाइव, एंड गेट 10% ऑफ नेक्स्ट डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन। तो चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके बच्चों, बाय बाय।